सर्वे किया और ऐसा भी लगा कि अभी जो मार्केट में सैनिटरी पैड्स मिल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कीमत के हैं और जो लोग उसको यूज़ भी और जो लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नोटिस किया है कि इवन गर्ल्स भी और उनकी मॉम वो कुछ एरिया में ऐसे भी लोग सस्टेन करते हैं कि वो अवेयर ही नहीं है सैनिटरी पैड्स के लिए और वो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं जो उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हम सैनिटरी पैड्स का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम ऐसा ही रखते हैं कि हम उनको लो कॉस्ट दें और वो मस्ट सैनिटरी पैड्स का यूज़ करें। जब हमने ये डिसाइड किया कि हमें सैनिटरी पैड्स बनाने हैं तो हमने सोशल मीडिया और ऑनलाइन से सर्च किया कि कौन सी कंपनियां हैं जो ये मशीन्स बनाती है। तो हमने पूरे इंडिया में 3-4 लोकेशन की विजिट भी की है कि राजस्थान गए थे, फिर मध्य प्रदेश गए थे और कर्नाटका गए थे और फिर फाइनली हम सर्च ही कर रहे थे और हमें सरल डिज़ाइन का एड्रेस मिला। तो हमने कॉल पर बात की और फिर लगा कि कंपनी जेन्यून है, अगर वहाँ पर जाएंगे तो कुछ तो मिलेगा ही। तो हमने यहाँ पर पर्सनल विजिट की और आपका जो भी था फीडबैक और आपका जो भी सपोर्ट था और बाकी सारी विजिट थी उसके हिसाब से हमको लगा कि हमें ये मशीन पर जाना चाहिए। बाय दी वुमेन फॉर दी वुमेन ऐसा काम कर रहे हैं, यानी लेडीज के लिए काम कर रहे हैं बट वो भी लेडीज के थ्रू ही होना चाहिए। और हमारा मेन गोल यही है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को इंकरेज करें और महिलाओं को फाइनेंशियली और सोशली भी स्टेबल करें। बेसिकली हम डिस्ट्रिक्ट में, अभी हमारा एनजीओ है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है तो हमें तो पहले डिस्ट्रिक्ट में ही काम करना है क्योंकि जो हमारे संस्था में जुड़ी हुई है जो लेडीज उनको तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ही है कि उनको हम पहले हेल्प करें, उनको फाइनेंशियल भी हेल्प करें और वो सैनिटरी पैड्स बेच कर कमाए और वो भी यूज़ करें। तो पहले हम हमारे डिस्ट्रिक्ट को कवरेज करने वाले जिसमें अर्बन और रूरल एरिया दोनों आ जाने वाले हैं और फिर बाद में हमारा ये भी है कि हम स्टेट लेवल पर हमारा परफॉर्मेंस। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पे आके, हमको जो नॉलेज मिला है बेसिकली यहाँ पे जो हमको समझाया है ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझाया है और जो डीप में जो बातें होती है वो सारी मार्केटिंग के बारे में, कैसे मार्केटिंग करना है, ये बिजनेस को इसको कैसे आगे ले जाना है, वो सब अच्छी तरह से हमको यहाँ समझने मिला है। इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि आप हर जगह पे देखो पर देखने के बाद जो जहाँ पे हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पे जाओ। और ज़्यादातर तो मैं बात करूँगी तो सरल म्यूजियम को बहुत ही अच्छा मिला है, यहाँ पे आओ और एक बार विजिट करो और अच्छी तरह से आप अपने एनजीओ को आगे बढ़ा सकते हो।